आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड राजनीति विज्ञान का फर्स्ट पेपर, तुलनात्मक राजनीति अथवा विश्व के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन, जिसमें हम अमेरिका का संविधान, चाइना का संविधान, ब्रिटेन का संविधान और इसके साथ साथ स्विट्जरलैंड का संविधान, जापान का संविधान, फ्रांस का संविधान, इन संविधानों से संबंधित जो प्रश्न पढ़ा करते हैं, लगभग जो विश्वविद्यालय उन विश्वविद्यालयों में इस तुलनात्मक राजनीति में इन्हीं संविधानों में से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपके लिए जैसे हमने वन डे स्टडी नोट्स जो अपन पढ़े हैं, इसमें से ये तीसरा भाग है। इससे पहले हम दो भाग पढ़ चुके हैं और दोनों भागों में 50-50 प्रश्न हमने पढ़े, लगभग 100 प्रश्न हम कवर कर चुके हैं। ये तीसरा भाग है, इसमें लगभग 70 प्रश्न है और एक भाग या दो भाग और आ सकते हैं, जिसमें से कुल मिलाकर के आपके लिए कितने भाग यानी कितने प्रश्न हो जाएंगे, 200 से लेकर के और 220 के लगभग जो सवाल होंगे। और वो सवाल मैं समझता हूं कि एक बार आपकी जो पूरी पुस्तक है तुलनात्मक राजनीति, उसका पूरा सारांश है, यानी पूरा जो है वो रिवीजन है उसमें, और उस रिवीजन में समझता हूं कि आपके लिए कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कंप्लीटली आप कर सकेंगे। और अब फिर मेरे विचार से कोई प्रश्न आपके बचेगा नहीं, तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से जरूर देखिएगा, दो बार तीन बार देख लीजिएगा, ताकि आप अच्छे से कंप्लीटली जो है उनको अच्छे से सरल कर लें। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियोज आपकी अच्छी मदद करेंगे। जैसे ये तीसरा भाग है, तीसरे भाग में थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप जरूर इसको देखिएगा ताकि आपकी मदद हो सके। प्रश्न आ जाए कि ब्रिटेन में सम्राट द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रमुख उपाधियों का उल्लेख कीजिए, यानी इसमें लघुत्तरात्मक और वस्तुनिष्ठ यानी छोटे और बड़े दोनों प्रकार के प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिटेन में सम्राट द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधियों का उल्लेख कीजिए। तो ब्रिटेन सम्राट कौन सी उपाधियां देता है? सम्राट के द्वारा एक तो ड्यूक, बैरन, अर्थ नाइट और नाइटहुड और लॉर्ड, ये उपाधियां देते हैं वो, जैसे ड्यूक की, बैरन की, नाइट की, लॉर्ड की, ये उपाधियां देते हैं। ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स का कार्यकाल कितना होता है? कॉमन सभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, बशर्ते कि किसी कारणवश उसे इससे पूर्व भंग नहीं कर दिया जाए, यानी उसका वैसे तो कार्यकाल 5 वर्ष है, अपने जैसे लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन वो बीच में भी अगर मान लो कदाचार साबित हो जाता है या मान लो किसी कारण से वो संविधान के मुताबिक नहीं चलती है, तो फिर वो बीच में ही भंग हो सकती है। इंग्लैंड की शासन व्यवस्था स्वरूप में संवैधानिक सीमित राजतंत्री है, स्पष्ट कीजिए। देखिए यहाँ का प्रश्न प्रश्न आ सकता है, इंग्लैंड की जो शासन व्यवस्था उसमें संवैधानिक सीमित राजतंत्र है कैसे? कि ब्रिटिश सम्राट औपचारिक प्रधान है, हम जानते हैं अपना अपने देश का राष्ट्रपति और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, उनकी तुलना की जाती है। व्यवहारिक रूप से समस्त शक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल करता है, इसलिए सम्राट को स्वर्णिम शून्य की संज्ञा दी जाती है। अब यहां से देखो छोटा प्रश्न भी आ सकता है, किस देश के प्रमुख को स्वर्णिम शून्य की संज्ञा दी जाती है? तो वह है ब्रिटेन का सम्राट। और इसके द्वारा प्रमुख उदाहरण भी है, देखिए कि अपने सभी कार्य है वो मंत्रियों के परामर्श से करता है, यानी सबसे पहली बात है कि सम्राट जो होता है वो मंत्रियों के परामर्श से काम करता है। दूसरा है, राजा बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है तथा उसके द्वारा निर्मित मंत्रिमंडल को स्वीकृति प्रदान करता है। राजा मंत्रिमंडल की बैठकों में सम्मिलित नहीं होता है। राजा प्रधानमंत्री की सलाह पर संसद को भंग कर सकता है। मतलब ये इन कारणों से हम ये कह सकते हैं कि वो स्वर्णिम शून्य कहा जाता है। राजा मर गया राजा चिरायु हो, इस उक्ति को समझाइए। राजा मर गया राजा चिरायु हो, इसका अर्थ यह है कि एक विशेष समय पर सम्राट पद पर आसीन व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, परंतु सम्राट पद जिसे राजमुकुट कहा जाता है वो अमर है। इस प्रकार इसका अर्थ ये हुआ कि इंग्लैंड में यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि राजा मर गया है राजा चिराई हुए, यानी राजा जो दैहिक राजा है वो तो मर जाता है, लेकिन राजमुकुट जो होता है वो जीवित रहता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्य लिखिए। अब जैसे ब्रिटेन की सारे प्रश्न आ जाएंगे, फिर इसका आ जाएंगे, स्विट्जरलैंड का जाएंगे, अमेरिका का जाएंगे, सारे आ जाएंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की प्रमुख कार्य और शक्तियां लिखिए या कार्य लिखिए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का निर्माता और संहारकर्ता होता है, यानी निर्माता भी वही होता है और उसे भंग करने वाला भी वही होता है। वह शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करता है, विदेशी मामलों का संचालन करता है, लोक सदन के नेता भी होता है तथा मंत्रिमंडल और सम्राट के बीच में कड़ी का काम भी करता है। इसी प्रकार ब्रिटिश संविधान में युद्ध मंत्रिमंडल से क्या आशय है?
ब्रिटिश संविधान में युद्ध मंत्रिमंडल से। देखिए प्रश्न आ सकता है, ब्रिटिश संविधान में युद्ध मंत्रिमंडल से आशय यह है कि ब्रिटेन में युद्ध काल में मंत्रिमंडल को आंतरिक समिति के रूप में युद्ध मंत्रिमंडल का विकास हुआ। जैसे ब्रिटेन में जो युद्ध काल हुआ था, यानी अपना जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके समय की बात है कि वहां पर एक आंतरिक समिति जिसे युद्ध मंत्रिमंडल का नाम दिया गया, उसका विकास हुआ। तो युद्ध या किसी विपत्ति के समय शीघ्रता से निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, इस समय जो है एक युद्ध मंत्रिमंडल का निर्माण होना जरूरी था। इसलिए शासन की सर्वोच्च नीति के निर्धारण और शासन के निर्देशन के निमित्त कुछ मंत्रियों की एक समिति बनाने जाती है जिसमें 4-5 मंत्री होते हैं। ये मंत्रिमंडल अल्पकाल के लिए होता है। उदाहरण के लिए 1940 में चर्चिल ने 5 मंत्रियों का युद्ध मंत्रिमंडल बनाया था। यानी जैसे मान लो इस प्रकार की स्थिति होती है तो वहां पर इस प्रकार के मंत्री बना दिए जाते हैं। चर्चिल ने बनाए थे 1940 में। ब्रिटेन में कैबिनेट की तानाशाही के क्या कारण है? कैबिनेट की तानाशाही, ब्रिटेन में कैबिनेट की तानाशाही की पहली बात तो ब्रिटेन में कठोर दलीय अनुशासन ने कैबिनेट की तानाशाही में वृद्धि की है। वहां पर दलीय अनुशासन कठोर है। दूसरी, परदत्त व्यवस्थापन के कारण कार्यपालिका के क्षेत्र में वृद्धि हुई, जो कैबिनेट की तानाशाही का उदाहरण है। तीसरा है, लोकसभा की शक्तियों का ह्रास हो गया, अपनी जैसे राज्यसभा कह सकते हैं। और विधि निर्माण में मंत्रिमंडल की सर्वोपरिता हो गई, तो इसका मतलब वहां पर उनकी तानाशाही होना ही। ब्रिटिश मंत्रिमंडल की विशेषताओं का, ब्रिटिश मंत्रिमंडल की विशेषताएं क्या है? ब्रिटिश मंत्रिमंडल की पहली विशेषता है कि सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेता है, पृथक रहता है। सम्राट मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है उनमें भाग नहीं लेता। ब्रिटिश मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करता है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्यों में राजनीतिक सजातीयता पाई जाती है, मतलब राजनीतिक रूप से वो समान सोच वाले हैं। ब्रिटिश मंत्रिमंडल अपनी नीतियों कार्यों आदि के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। और आधुनिक ब्रिटिश मंत्रिमंडल समितियों के माध्यम से काम करते हैं। ये मंत्रिमंडल की विशेषताएं हैं। प्रश्न आ गया, राजा और राजमुकुट में क्या अंतर है? तो राजमुकुट तो एक संस्था है जिसे विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक तीनों शक्तियां प्राप्त है, जबकि राजा एक व्यक्ति है जिसके पास कोई शक्ति नहीं है। राजा और राजमुकुट में ये अंतर है। देखिए, राजमुकुट तो एक संस्था है जिसको विधायी शक्तियां हैं, प्रशासनिक और न्यायिक तीनों शक्तियां प्राप्त है, और राजमुकुट को हम ये कह सकते हैं कि वो एक, यानी इनका जो कार्यपालिका कह सकते हैं इसको, जिसके पास सारी शक्तियां हैं लेकिन राजा के पास नहीं। राजमुकुट स्थाई है जो सदैव बना रहता है, जिसका कभी नाश नहीं होता, जबकि राजा एक प्राणी है और अस्थाई है जिसकी निश्चित मृत्यु हो जाती है। राजमुकुट का रूप सामूहिक होता है। राजमुकुट कोई एक व्यक्ति नहीं है, जबकि राजा एक व्यक्तिक है। राजा तो एक व्यक्ति होता, एक व्यक्तिक होता है, व्यक्ति होता है, जबकि राजमुकुट में सभी अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी सारे होते हैं। छाया मंत्रिमंडल से क्या आशय है? इसके कोई दो लाभ बताइए। छाया मंत्रिमंडल एक प्रकार का काल्पनिक मंत्रिमंडल है जो विरोधी दल द्वारा बनाया जाता है। छाया मंत्रिमंडल में क्या होता है, जो उनका जो विपक्षी दल होता है वो बनाता है। और वो कैसे बनाता है कि विपक्षी दल के सदस्य छाया मंत्रिमंडल के द्वारा शासन का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, उनमें सक्रिय और रचनात्मक एकता भी बनी रहती है। मतलब वो छाया मंत्रिमंडल होता है, वास्तव में नहीं होता, लेकिन वो प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, हर तरह का नॉलेज प्राप्त करते हैं, और सरकार का पतन होने पर विरोधी दल सरकार बनाने के लिए सदैव तैयार रहता है। इसलिए छाया मंत्रिमंडल को वैकल्पिक सरकार भी कहा जाता है। देखिए, ये इंग्लैंड में व्यवस्था है, अपने यहां पर नहीं है। अंतरंग कैबिनेट से क्या आशय है? अंतरंग कैबिनेट क्या है? अंतरंग कैबिनेट प्रधानमंत्री द्वारा किसी समस्या को संपूर्ण मंत्रिमंडल की बैठक में विचार रखने से पहले प्राय 4-5 मंत्रियों से सलाह करना उचित समझता है, जो उसकी दृष्टि से पर्याप्त, परिपक्व और प्रभावशाली होने के साथ साथ उसके प्रति निष्ठा और निष्ठावान हो। इन प्रमुख 4-5 मंत्रियों और प्रधानमंत्री के इस मंत्रिमंडल को अंतरंग मंत्रिमंडल कहा जाता है, जिसको हम कैबिनेट कहते हैं। यानी अंतरंग कैबिनेट में क्या होता है कि वो 4-5 मंत्री होते हैं, जब भी कोई कानून बनाता है, बिल बनाता है, उससे पहले उन लोगों से राय लेना उचित समझता है, और उन लोगों के बीच में या उन लोगों का जो गठन है वो एक अंतरंग कैबिनेट के रूप में होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का विलंबकारी निषेध का अधिकार बताइए। वो तो पहले 10-11 प्रश्न जो हमने पढ़े थे वो सारे ब्रिटेन के संविधान के थे, अब हमें अमेरिका के संविधान के मोस्ट प्रश्न पढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का विलंबकारी निषेध अधिकार बताइए कि जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए आता है, राष्ट्रपति उसे आपत्तियों सहित वापस लौटा देता है, और इसको राष्ट्रपति का विलंबकारी निषेध अधिकार का अर्थ हम ये कह सकते हैं कि जैसे मान लो
राष्ट्रपति को कोई कानून पास नहीं करना होता है, ठीक है, उसमें कोई कमी लगती है तो उस कानून को क्या करता है, वापस लौटा देता है। अब वापस लौटा देता है तो वहां जाने के बाद वो कानून क्या होता है, वैसे ही वापस गुजरता है, मतलब वैसे ही उनकी जो सभाएं हैं, प्रतिनिधि सभा है और उनकी जो सीनेट है, उनमें उसी तरह से वापस वो रिवाइज होता है। रिवाइज होकर के फिर वहां तक आता है, तो तब तक क्या है कि हो सकता है कि 3 4 महीने 6 महीने लग जाए, कई कई बार 12 महीने लग जाते हैं। तो इससे क्या है कि उस कानून में विलंब हो जाता है, तो ये विलंबकारी शक्ति कहा जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की 3 विशेषताएं, 3 विशेषताएं में राष्ट्रपति कार्यपालिका से अधिक है, पहली बात, दूसरा देश की नीति का अधिकृत प्रवक्ता है, तीसरा व्यवहार में राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव होता है, यानी अपने यहां पर जैसे प्रधानमंत्री के चुनाव होते हैं वैसे ही अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं 4 साल के लिए। अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति का जो चुनाव करने वाला जो निर्वाचक इलेक्टोरल बोर्ड है उसका जो है निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्यों का निर्वाचन देश के वयस्क मतदाताओं द्वारा किया जाता है। देश के वयस्क मतदाता क्या करते हैं, उनको चुनते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का जेबी निशस्त्र अधिकार क्या है, जेबी वीटो, जेबी वीटो, यदि कांग्रेस अपने अधिवेशन के अंतिम दिनों में जल्दी जल्दी विधेयक पारित करती है तो उस समय राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को नियत समयावधि तक रोकने के अधिकार को जेबी निशस्त्र अधिकार कहता है। यानी वो अपने उसे जैसे मान लो जब भी कोई कानून बनता है, विधेयक बनता है, तो वो राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उसे अपने पास सुरक्षित रख लेता है, उस पर सहमति नहीं देता है। और मान लो जैसे उनकी जो कांग्रेस है, उनकी सरकार है, वो जैसे मान लो थोड़े ही समय में चुनाव होने वाले हैं या भंग होने वाली है, तो फिर क्या है कि वो वहां तक रोक लेते हैं। इसी को जेबी निशस्त्र अधिकार, निशस्त्र अधिकार कहा जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि की 2 कारण, एक तो है कल्याणकारी राज्य के उदय के कारण, दूसरा है न्यायिक व्याख्याओं के कारण, दूसरा है न्यायिक व्याख्याओं के कारण, इसकी वृद्धि यही है। संयुक्त राज्य अमेरिका को राष्ट्रपति का चुनाव, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा निर्वाचित निर्वाचक मंडल द्वारा दलीय आधार पर किया जाता है। जनता क्या करती है, निर्वाचक मंडल नियुक्त करती है, और वो नियुक्त करके फिर वो निर्वाचक मंडल क्या करता है, यानी राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, ये व्यवस्था है। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक कोई 2 योग्यताएं बताइए। आवश्यक योग्यता कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए, उसका जन्मजात अमेरिकन नागरिक होना चाहिए, वो जन्मजात अमेरिकन नागरिक हो, ये उनकी प्रमुख योग्यताएं। अवधि समाप्ति से पूर्व राष्ट्रपति किन आधारों पर पद से अलग हो सकता है, अवधि समाप्त हो जाती है उससे पहले राष्ट्रपति को कैसे अलग किया जा सकता है, या तो वो त्याग पत्र दे देता है, या उसकी मृत्यु हो जाती है, या फिर दुराचरण, देशद्रोह, भ्रष्टाचार ये आरोप हो जाते हैं, तब वो क्या होता है कि महाभियोग के द्वारा अलग किया जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति किन 3 वर्गों के अधिकारियों को पदच्युत नहीं कर सकता, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिकी राष्ट्रपति कौन से 3 अधिकारियों को, वर्गों के अधिकार, एक तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, एक कांग्रेस द्वारा स्थापित विभिन्न आयोगों और बोर्डों के सदस्यों को, और एक लोक सेवा नियमों के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों को, यानी 3 को वो है पदच्युत नहीं कर सकता, उनको हटा नहीं सकता। वैदेशिक विषयों से संबंधित अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों के किन्हीं 2 क्षेत्र, विदेशी विषयों से संबंधित राष्ट्रपति की शक्तियां, राजदूतों और प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है, संधियां करता है, दोनों कार्य है। निलंबनकारी निषेधाधिकार के प्रयोग के बाद लौटाए गए विधेयक कानून कब बन सकते हैं, अगर मान लो उसने कानून लौटा दिया तो वो कब वापस बन सकते हैं, तो विलंबकारी निष्कर्ष अधिकार के प्रयोग के बाद विधेयक कानून तभी बन सकते हैं जब वे कांग्रेस के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से ज्यों का त्यों पारित किए। अब जैसे मान लो एक विधेयक गया तो फिर वो विधेयक क्या है, कांग्रेस के जो दोनों सदन हैं, प्रतिनिधि सभा और सीनेट जो है, इनमें 2/3 बहुमत से फिर से वो पारित होना चाहिए। फिर से पारित होने में आप जानते हैं समय लगता है, और कई बार अगर सही होते हैं तो जल्दी भी हो जाता है, तो तभी वो वापस कानून बन सकता है। अमरीकी राष्ट्रपति जेबी निशस्त्र अधिकार का प्रयोग किस किस प्रकार के विधेयकों पर नहीं कर सकता, कौन से विधेयक है जहां पर वो जेबी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता, एक तो प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन पर नहीं कर सकता, और विधेयक के किसी अंश पर नहीं कर सकता, जो विधेयक है वो किसी एक अंश पर नहीं, विधेयक वापस पूरा ही लौटाया जाता है। नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत क्या है,
नियंत्रण और संतुलन, शासन के विभिन्न अंगों की निरंकुशता पर रोक हेतु एक अंग का दूसरे पर नियंत्रण, नियंत्रण और संतुलन कहलाता है। यानी जैसे निरंकुशता है तो निरंकुशता को रोकने के लिए क्या करता है, एक अंग का दूसरे अंग पर, यानी जैसे इस अंग का इस पर नियंत्रण है, इसका इस पर है, तो ये क्रॉस कंट्रोल होता है इन पर, इसलिए इसको नियंत्रण और संतुलन कहा जाता है। अमरीकी मंत्रिमंडल के महत्व को प्रकट करने वाला दो बिंदु, तो अमरीकी मंत्रिमंडल का महत्व में मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को नीति संबंधी परामर्श देता है, दूसरा ये परतत व्यवस्थापन और प्रशासन के कुशल संचालन में राष्ट्रपति की मदद भी करता है। तो ये मंत्रिमंडल के दो महत्व है। जनवादी चीन का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है, जनवादी चीन का राष्ट्रपति, तो इसमें अनुच्छेद 79 के अनुसार जनवादी चीन के राष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस करती है। कौन करती है, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस जो है वो करती है। अगला है, चीन में राष्ट्रपति का पद नाम मात्र की कार्यपालिका का पद है, इसके कोई तीन कारण बताइए। एक तो है साम्यवादी दल को वर्चस्व है, दूसरा चेयरमैन की तुलना में राष्ट्रपति की स्थिति कमजोर है, तीसरा विधेयक पर निश्चिताधिकार का न होना, विधेयक पर कोई निश्चिताधिकार को अधिकार ही नहीं है, इसलिए वहां पर राष्ट्रपति का पद है वो नाम मात्र की कार्यपालिका का पद है। चीन में राष्ट्रपति लगातार कितनी अवधि तक अपने पद पर बना रह सकता है, चीन में राष्ट्रपति अधिक से अधिक दो कार्यकाल तक अपने पद पर बना रह सकता है। फ्रांस का राष्ट्रपति कैसे निर्वाचित किया जाता है, यानी लगभग चार पांच सवाल फ्रांस के होंगे, फिर स्विट्जरलैंड के आएंगे, इस तरह से आएंगे। अब फ्रांस के संविधान, जैसे मान लो जिनके फ्रांस का संविधान है तो वो पढ़ेंगे, फिर जापान का संविधान का आएंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव फ्रांस के समस्त निर्वाचकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है, तो उनका फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन की विधि से होता है। चीन के राष्ट्रपति की दो शक्तियां बताइए, चीन के राष्ट्रपति पद की दो शक्तियां, एक तो प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मंत्रियों, आयोगों के प्रधानों, राज्यों के राज्य परिषदों के महासचिवों के नियुक्ति पदच्युत करने का अधिकार। चीन का राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मंत्री और इनको इनकी नियुक्ति भी करता है और इनको पदच्युत भी करने का अधिकार है, और आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति पर महाभियोग चला सकने का कारण, फ्रांसीसी राष्ट्रपति पर कैसे महाभियोग चलाया जा सकता है, फ्रांसीसी राष्ट्रपति देशद्रोह के कारण महाभियोग चलाया जा सकता है, देशद्रोह के कारण अपने भारत में भी चलाया जा सकता है। किसी पद को विशेष महत्व दिए जाने के कारण पांचवें गणतंत्रीय संविधान को अर्ध अध्यक्षीय गणतंत्रात्मक संविधान की संज्ञा क्यों दी गई, क्योंकि राष्ट्रपति पद को विशेष महत्व देने के कारण वहां पर यह फ्रांस में व्यवस्था की गई है। फ्रांस के पांचवें गणराज्य के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति कैसे निर्वाचित किया जाता है, पांचवें गणराज्य बना उसके आधार पर, फ्रांस के पांचवें गणराज्य के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित किया जाता है। फ्रांस के राष्ट्रपति की कोई दो स्वविवेकी शक्तियां बताइए, स्वविवेकी शक्तियां, एक तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति और मंत्रिमंडल का निर्माण, दूसरा प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को पदच्युत करने का अधिकार, ये फ्रांस के राष्ट्रपति की दो स्वविवेकी शक्तियां हैं जो अपने विवेक से काम में लेता है। इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति की दो विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियां संसद को अपना संदेश भेजना और संसद द्वारा पारित विधेयक को पुनर्विचार हेतु संसद को लौटाना, ये दोनों है। फ्रांस में राष्ट्रपति पद के अत्यधिक शक्तिशाली और प्रभावी होने के कारण, एक तो पहला तो है राष्ट्रपति को विस्तृत और स्वविवेकी शक्तियां, मतलब राष्ट्रपति को ज्यादा से ज्यादा स्वविवेकी शक्तियां प्राप्त, मतलब अपने विवेक से काम कर सकता है, उसका लंबा कार्यकाल और जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन, ये भी कारण है। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए वह है संयुक्त राज्य का जन्मजात नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा वह अमेरिका में कम से कम 14 वर्ष आवश्यक रूप से रह रहा हो, दिवालिया नहीं हो, पागल नहीं हो, किसी गंभीर अपराध में सजा याफ्ता नहीं होना चाहिए। इसके अलावा है अमेरिकी राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियां, अमेरिकी राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियों में है देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना, विभिन्न न्यायिक निर्णयों, संधियों, समझौतों को लागू करना, कार्यपालिका के विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति करना, पदमुक्ति का काम करना और विदेशी संबंधों का संचालन करना, विदेशों में अमेरिकी नागरिकों को संरक्षण देना और संयुक्त राज्य अमेरिका का वार्षिक बजट तैयार करवाना, ये पांचों शक्तियां जो है उसकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति महाभियोग कैसे लगाया जा सकता है, अमेरिकी राष्ट्रपति महाभियोग लगाने के का प्रस्ताव केवल प्रतिनिधि सभा में होता है, पर प्रतिनिधि सभा में दो तिहाई बहुमत से पारित होना चाहिए,
प्रतिनिधि सभा में, सीनेट में नहीं, प्रतिनिधि सभा में इस प्रस्ताव की एक कॉपी राष्ट्रपति को भेजी जाती है और सीनेट इस प्रस्ताव की जांच करती है। सीनेट का काम क्या है? जांच करना है। और सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश सीनेट की अध्यक्षता करता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो होता है वो सीनेट की क्या करता है? अध्यक्षता करता है। यदि सीनेट इस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर देती है तो उसी दिन से राष्ट्रपति को पदच्युत माना जाता है, ऐसा होता है। तो इसमें अभियोग तो सबसे पहले लाया तो उसमें जाता है प्रतिनिधि सभा में। अमेरिकी संविधान में पॉकेट वीटो क्या है, जिसको जेबी वीटो कहा जाता है। यदि कांग्रेस के सत्र के अंतिम दिनों में, अंतिम 10 दिनों में, कौन से दिनों में, अंतिम 10 दिनों में कोई विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए उसके पास आता है और राष्ट्रपति उस विधेयक को बिना स्वीकृति या अस्वीकृति दिए अपने पास पड़े रहने देता है, परिणाम स्वरूप विधेयक बिना अस्वीकृति के अस्वीकृत हो जाता है, तो राष्ट्रपति की इस कार्रवाई को वीटो पावर कहा जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति की 4 विशेषताएं। एक तो है समस्त कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है, परंतु व्यवहार में यह प्रत्यक्ष चुनाव होता है। व्यवहार में प्रत्यक्ष चुनाव ऐसे होता है क्योंकि जनता एक इलेक्टोरल बोर्ड चुन करके भेजती है, फिर क्या होता है कि वो लोग उनका चुनाव करते हैं। कार्यपालिका व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होती है और कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण नहीं होता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका से अधिक वह विधायिका और न्यायपालिका को भी नियंत्रित करता है। ये राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियां हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल के सदस्य राज्यों की जनता द्वारा चुने जाते हैं, उनके जो स्टेट है उनकी जनता द्वारा चुने जाते हैं। इनका कार्य केवल राष्ट्रपति का निर्वाचन करना है। सिद्धांत रूप में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष है, किंतु व्यवहार में प्रत्यक्ष है। यानी वहां से ये जनता चुन करके भेजती है उन लोगों को और वो लोग क्या करते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव कर देते हैं, उसके बाद उनकी ड्यूटी पूरी ये हो जाता है। लूट प्रणाली से क्या अर्थ है? ये भी अमेरिकी संविधान की बात है कि लूट प्रणाली राष्ट्रपति उच्च पदों पर नियुक्त योग्यता के आधार पर नहीं करके राजनीतिक आधार पर करता है। लूट प्रणाली का मतलब राष्ट्रपति जैसे मान लो उच्च पदों पर जो अधिकारी लगाता है वो उन लोगों को योग्यता के आधार पर नहीं, राजनीतिक आधार पर लगाता है। इसके माध्यम से वे अपने समर्थकों और अपने दल के सदस्यों को लाभ के पद पर नियुक्त कर सकता है और इसी पद्धति को लूट प्रणाली कहते हैं। क्या इसका कारण यही है कि क्योंकि वो अपने हिसाब से लगाएगा? सीनेट की स्वार्थता से क्या अभिप्राय है? सीनेट की स्वार्थता, राष्ट्रपति प्रतिवर्ष राजनीतिक आधार पर हजारों महत्वपूर्ण प्रशासनिक नियुक्तियां करता है। सीनेट के सदस्य अपने रिश्तेदारों और समर्थकों को उन पदों पर नियुक्त करवाना चाहते हैं। इसके बदले में सीनेट के सदस्य उसके विधायी कार्यक्रमों और संधियों आदि का सीनेट में समर्थन करते हैं और इसी को सीनेट की स्वार्थता कहा जाता है। यानी सीनेट के सदस्य क्या करते हैं, अपने रिश्तेदारों को और समर्थकों को उस पद पर जब नियुक्त करवाना चाहते हैं तो इसके बदले में क्या करते हैं, यानी वो क्या करते हैं, संधियों यानी कार्यक्रमों और संधियों आदि का सीनेट में समर्थन करते हैं। इसी को सीनेट में क्या कहा जाता है, सौहार्दता कहा जाता है। व्यवहार में अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव अब अप्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं रहा। इसका क्या कारण है भाई? अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जनता तो इलेक्टोरल बोर्ड भेजती है बना करके और फिर वो जाकर के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, तो हम इसको प्रत्यक्ष कैसे कह सकते हैं? लेकिन फिर भी इसका चुनाव प्रत्यक्ष कहा जाता है, क्यों? इसका कारण क्या है? पहली बात तो यह है कि राष्ट्रपति के पद के निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चुनाव अब सीधे जनता द्वारा होता है, जबकि पहले राज्य की व्यवस्थापिका द्वारा होता था, सीधे जनता करती है। दूसरी बात, जिस दल के निर्वाचक मंडल को जनता चुनती है उसी दल का प्रत्याशी राष्ट्रपति होता है। यानी जिस दल के निर्वाचक मंडल को जनता चुनती है, जैसे मान लो वहां पर दो दल है और दो ए और बी दो दल है, जनता ए दल को चुना है तो इसका मतलब राष्ट्रपति भी ए दल का ही होगा। दोनों राजनीतिक दल सशक्त प्रचार चुनावों को सीधे जनता से जुड़ते हैं, यह भी है। अमरीकी राष्ट्रपति और ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियों में अंतर क्या है? यहां से प्रश्न आ सकता है कि इन दोनों मंत्र क्या है। तो अंतर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति राज्य का राज्य और शासन दोनों का अध्यक्ष होता है, जबकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री केवल शासन का अध्यक्ष होता है। अमेरिका में न्यायालय राष्ट्रपति पर नियंत्रण रखता है, जबकि ब्रिटेन में यह प्रधानमंत्री के प्रभाव क्षेत्र में आता है। अमेरिका में न्यायालय जो है राष्ट्रपति पर नियंत्रण रखता है, न्यायालय पर राष्ट्रपति नियंत्रण रख सकता है, जबकि ब्रिटेन में यह प्रधानमंत्री के प्रभाव क्षेत्र में आता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का है, वह 2 बार से अधिक इस पद पर नहीं रह सकता, जबकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री का कार्यकाल
कॉमन में बहुमत पर निर्भर करता है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष है, यानी अमेरिकी प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष है और वहां के राष्ट्रपति का 4 वर्षीय। फ्रांस के राष्ट्रपति की क्या शक्ति है? फ्रांस के राष्ट्रपति की शक्तियों में प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, उसके त्याग पत्र को स्वीकार करना, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना, राज्य के काउंसिलरों, राजदूतों, विश्वविद्यालय के कुलपतियों और पदाधिकारियों की नियुक्ति करना, वैदेशिक संबंधों का संचालन करना। ये 5 शक्तियां जो है, 4 शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति की प्रमुख है। फ्रांस के राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्तियां क्या है? स्वविवेक की शक्तियों में एक तो है प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की नियुक्ति, दूसरा प्रधानमंत्री को पदच्युत करने का अधिकार, ये दोनों स्वविवेकीय मतलब अपने विवेक से उनको काम में ले सकता है। इसके अलावा है प्रधानमंत्री और असेंबली के अध्यक्षों से परामर्श कर नेशनल असेंबली को भंग कर सकता है, राष्ट्र में संकट काल की घोषणा कर सकता है, किसी विधेयक पर जनमत संग्रह कराने का अधिकार भी राष्ट्रपति को है। फ्रांस के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है? फ्रांस के प्रधानमंत्री की नियुक्ति फ्रांस के पंचम गणराज्य के संविधान की 8वीं धारा। फ्रांस के प्रधानमंत्री नियुक्ति में राष्ट्रपति को एकाधिकार प्राप्त है, राष्ट्रपति ही करता है। संविधान अनुसार प्रधानमंत्री संसद का सदस्य नहीं होता है और राष्ट्रीय सभा का विश्वास प्राप्त करना भी प्रधानमंत्री के लिए आवश्यक नहीं है, वो राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। द्वितीय पत्रक योजना अथवा फ्रांस के राष्ट्रपति का की प्रक्रिया समझाइए। द्वितीय मतपत्र योजना, ये योजना फ्रांस के राष्ट्रपति के निर्वाचन में अपनाई जाती है, जिसमें मतदान के प्रथम चरण में आवश्यक 50% से अधिक मत किसी भी उम्मीदवार को नहीं मिलने पर द्वितीयक मतदान होता है। इसमें केवल प्रथम 2 उम्मीदवारों के लिए मतदान होता है, जिसमें अधिक मत प्राप्त व्यक्ति को निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। यानी अब क्या होता है कि इसमें द्वितीयक, यानी अपने जैसे राष्ट्रपति वाली बात है, अपने जैसे राष्ट्रपति में जो है ना सिंगल ट्रांसफरेबल मत पद्धति, उसी तरह से होता है। इसमें क्या है कि जैसे मान लो कोई आवश्यक जितने जितना कोटा है उतना उतने कोटे को प्राप्त नहीं कर पाता है, तो फिर क्या है कि प्रथम और द्वितीय जो ज्यादा मत वाले हैं उन्हीं में चुनाव मतदान होता है, अन्य में नहीं होता। फ्रांस के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगता है? फ्रांस के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए फ्रांस में केवल राजद्रोह के दोष पर ही राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। दोषारोपण का अधिकार राष्ट्रीय व्यवस्थापिका के दोनों सदनों को प्राप्त है, दोनों सदन है वो अभियोग लगा सकती है। यदि यह प्रस्ताव खुले मतदान से संसद के दोनों सदनों द्वारा पृथक पृथक अपने कुल बहुमत से पारित कर दिया जाता है तो दोषारोपण की जांच उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है और न्यायालय द्वारा दोष पाए जाने पर राष्ट्रपति को पदच्युत किया जाता है। दोनों सदनों द्वारा क्या किया जाता है, पहले उस पर दोष सिद्ध किया जाता है, फिर वो मामला न्यायालय में जाता है, फिर वो न्यायालय क्या करता है, जांच करता है, और वो न्यायालय जांच करने पर अगर मान लो सही, यानी वो उनका जो सही उनकी प्रक्रिया सही है तो फिर राष्ट्रपति को पदच्युत कर दिया जाता है। चीन के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया क्या है? चीन के जन गणराज्य के राष्ट्रपति का पद मात्र एक प्रतिष्ठित और औपचारिक पद है। राष्ट्रपति का निर्वाचन नेशनल पीपुल्स कांग्रेस द्वारा, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के द्वारा 5 वर्ष के लिए होता है। राष्ट्र की जो जनवादी कांग्रेस है वो ही 5 वर्ष के लिए नियुक्त करती है। राष्ट्रपति का यह कार्यकाल कांग्रेस के कार्यकाल के समान है। कोई भी नागरिक 2 बार से अधिक पद पर विद्यमान नहीं रह सकता, चीन की व्यवस्था ही है। और कांग्रेस राष्ट्रपति को समय से पूर्व वापस बुला सकती है या पद से हटा सकती है। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अब स्विट्जरलैंड के सवाल आने शुरू हो गए हैं। स्विट्जरलैंड का राष्ट्रपति संघीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में संघीय सरकार के सदस्यों में चुना जाता है। स्विट्जरलैंड में क्या होता है, राष्ट्रपति संघीय संसद के दोनों सदनों की बैठक होती है और उस बैठक में संघीय सरकार के सदस्यों में से ही राष्ट्रपति को चुना जाता है। स्विस की अर्थात स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद को विश्व की अनोखी कार्यपालिका क्यों कहा जाता है? स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद को संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों ही व्यवस्थाओं के लक्षणों का मिश्रण है, उसमें संसदात्मक भी है और अध्यक्षात्मक भी है, इसीलिए यह विश्व की अनोखी कार्यपालिका कहा जाता है। उसमें संसदीय व्यवस्था भी है और अध्यक्षीय व्यवस्था भी है, दोनों है। स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका की किन्हीं 2 विशेषताओं को बताइए। एक तो बहुल कार्यपालिका है और संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों पद्धतियों का मिश्रण है, ये कार्यपालिका की विशेषता है। संघीय चांसलरी क्या है? संघीय चांसलरी संघीय सरकार का एक सामान्य कर्मचारी वर्ग जो होता है उसको संघीय चांसलरी कहते हैं। स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार निर्दलीय है, यानी वहां पर कोई दलीय व्यवस्था नहीं है। कैसे बताइए कि संघीय सरकार के सदस्य अपने राजनीतिक दलों के आदेशों निर्देशों में नहीं बंध करके
अपने विवेक से और स्वतंत्रता पूर्वक काम करते हैं, यद्यपि वे अपने दलों से भी संबंध रहते हैं लेकिन स्वतंत्रता पूर्वक काम करते हैं, इसीलिए उस सरकार को निर्दलीय सरकार कहा जाता है। स्विट्जरलैंड सांस्कृतिक संघ क्यों कहलाता है? स्विस में विविध भाषाओं धर्म संस्कृतियों के लोग एक राष्ट्र के रूप में बंध गए हैं, अतः उसको सांस्कृतिक संघ भी, सांस्कृतिक संघ इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पर विविध भाषाएं हैं, विविध धर्म है, विविध संस्कृतियों के लोग रहते हैं और वो पूरे सभी के सभी मिलकर के किसके बारे में सोचते हैं? स्विट्जरलैंड के बारे में सोचते हैं, इसीलिए इसको ऐसा कहा जाता है। स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद को बहुल कार्यपालिका क्यों कहते हैं? बहुल कार्यपालिका कहने का अर्थ यह है कि इस परिषद का नेतृत्व केवल एक व्यक्ति द्वारा नहीं होता बल्कि कुछ लोगों की समिति द्वारा होता है, इसीलिए इसे बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। जैसे 7 सदस्य है तो 7ों का अधिकार समान है। बहुल कार्यपालिका का अर्थ क्या है? तो कार्यपालिका का नेतृत्व किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं वरन कुछ व्यक्तियों की समिति द्वारा किया जाता है, उसे बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद और ब्रिटिश मंत्रिमंडल में दो समानताएं क्या? ब्रिटिश मंत्रिमंडल में और संघीय ब्रिटिश स्विस संघीय परिषद में क्या समानताएं? पहली बात, दोनों में शक्ति पृथक्करण का अभाव है, शक्ति पृथक्करण का नहीं होता वहां पर। दूसरी, दोनों ही गोपनीयता के आधार पर कार्य करते हैं, तो ये दोनों में समानताएं हैं। स्विट्जरलैंड का जो नवीन संविधान में कार्यपालिका का क्या नाम दिया गया है? स्विट्जरलैंड का जो नया संविधान है उसमें कार्यपालिका, वर्तमान समय में कार्यपालिका को संघीय सरकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संघीय सरकार कहा जाता है, फेडरल गवर्नमेंट कहा जाता है। स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद की दो विधायी शक्तियां क्या है? विधायी शक्तियों में है स्वेच्छा से विधानमंडल के समक्ष विधेयक प्रस्तुत कर सकती है और संविधान संशोधन संबंधी विधेयक है वो प्रस्तुत करने का अधिकार है। ये स्विस संघीय परिषद को शक्तियां प्राप्त है। स्विट्जरलैंड संघीय परिषद की दो वित्तीय शक्तियां क्या है? वित्तीय स्वीकृतियों में बजट तैयार करके संसद के समक्ष स्वीकृति के लिए रखना, आय और व्यय की समस्त जानकारी संसद को देना। स्विट्जरलैंड संघीय परिषद के कार्यपालिका संबंधी कार्यों का उल्लेख कीजिए। स्विट्जरलैंड की जो कार्यपालिका संबंधी जो अधिकार है, क्या अधिकार है इसमें है आपके? पहला तो है सरकारी नीति का निर्धारण करना, जनता का सरकार से संबंध स्थापित करना। दूसरा, शासन व्यवस्था का संचालन करना, विदेशी संबंधों का संचालन करना, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा करना। ये कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं या कार्य है। स्विस परिषद को बहुल कार्यपालिका क्यों कहा जाता है? अब देखिए, ये बहुत अच्छा उत्तर है। बहुल कार्यपालिका इसलिए कहा जाता है कि कार्यपालिका एक व्यक्ति में शक्ति एक व्यक्ति में नियुक्त नहीं होकर के व्यक्तियों के समूह होती है। अन्य देशों में जहां कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति में होती है, वहां स्विट्जरलैंड में ये 7 सदस्यों में होती है। और ये 7ों सदस्य जो है, ये अनुच्छेद 175 में लिखा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है कि संघीय सरकार में 7 सदस्य होंगे। अनुच्छेद 175 में ये बात लिखी हुई है स्विट्जरलैंड की, और 7ों की शक्तियां बराबर हैं। स्विस संघीय परिषद संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक व्यवस्था का समन्वय है। कैसे? यानी उसमें संसदात्मक व्यवस्था भी है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था भी है। कैसे? देखिए, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक व्यवस्था का समन्वय स्विट्जरलैंड में न तो कोई संसदात्मक शासन प्रणाली और नहीं अध्यक्षात्मक, बल्कि इनका मिला जुला रूप है। यहाँ व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों संबंधित है, लेकिन इंग्लैंड के समान कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है और व्यवस्थापिका कार्यपालिका को पदच्युत नहीं कर सकती है। इसे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें शक्ति का विभाजन नहीं है, शक्ति विभाजन के सिद्धांत को नहीं अपनाया गया है, इसलिए इसको ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका और स्विस संघीय परिषद में 3 समानताएं, यानी अध्यक्षात्मक कार्यपालिका और स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद में। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका समान स्विस संघीय परिषद में स्थायित्व है, स्थायी समिति है, ये स्थायी है। दूसरा है, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के समान ही स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका के सदस्य संघीय सभा के सदस्य नहीं होते, व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते। तीसरी है, इसमें स्विस संघीय परिषद के द्वारा अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के समान ही संघीय सभा को भंग नहीं किया जा सकता, एक संघीय सभा भंग नहीं होती है। प्रश्न आ जाता है कि स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद अध्यक्ष कार्यपालिका में दो अंतर क्या है? दोनों अंतर भी तो समानताएं थी, अब अंतर यह है। अंतर यह है कि जैसे संघीय सभा से घनिष्ठ संबंध होता है, किसका? स्विस संघीय परिषद का, यानी सरकार का संघीय व्यवस्थापिका से, सरकार का व्यवस्थापिका से घनिष्ठ संबंध है।
विधि निर्माण और बजट निर्माण में सहयोग करती है, संघीय सभा भी परिषद पर नियंत्रण रखती है, जबकि अध्यक्षात्मक व्यवस्था में ऐसा संभव नहीं है। स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका का चुनाव संघीय सभा द्वारा किया जाता है, जबकि अध्यक्षात्मक कार्यपालिका का चुनाव जनता द्वारा होता है। और ये 70वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, संघीय परिषद और संसदीय कार्यपालिका में दो अंतर। संघीय परिषद और संसदीय कार्यपालिका, स्विस संघीय परिषद में संसदीय कार्यपालिका के समान सामूहिक उत्तरदायित्व तो नहीं होता है। संघीय परिषद का प्रत्येक सदस्य अपने काम के लिए उत्तरदायी होता है। ये पूरे 70 सवाल था, यानी अब जो है लगभग एक या दो, यानी जैसे ये जो आएंगे, जैसे मान लो तीसरा भाग था, ये चौथा और पांचवा दो भाग हो सकता है। अगर चौथे पांचवे तक आ जाते हैं, इसका मतलब है कि आपकी पूरी किताब कंप्लीटली इनमें समाई हुई है। जय हिंद, जय भारत।